अंडा करी खाना मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी की रेसिपी। कम मेहनत में कम सामान में होटल जैसी करी कैसे बनाई जाती है उसका तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं ना नॉर्मल करी बनाने के लिए उसी करी से बनाएंगे लेकिन होटल वाला ट्विस्ट देंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी अंडा मसाला बनाने के लिए एक बर्तन में हम तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पे 5 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल को हम गरम हो जाने देंगे और यहाँ पे मैंने 25 ग्राम लहसुन, 4 इंच अदरक, 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को ऐसे मैंने स्लाइसेस में काटा है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाए। गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो प्याज है ना ये डीप फ्राई करके निकाल लें, उससे करी और भी अच्छी बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का कलर ऐसा आ जाएगा ये देखिए वैसे ही हम प्याज को निकाल लेंगे। तो आप चाहिए तो अगर आप छोटा पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्याज को निकाल लें या फिर ऐसे इसी में एक जगह साइड कर दें और इसमें ये अदरक और लहसुन डाल देंगे। ये देखिए प्याज के किनारों से तेल निकल रहा है ना, इसी में हमें इसे भून लेना है। 8 से 10 सेकंड के लिए इसे पकने दें। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे 2 टमाटर को मैंने लंबाई में काटा है। धनिया पत्ता और हरी मिर्च बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। टमाटर को पकाने के लिए आप चाहिए तो यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को मैंने अच्छे से पका लिया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए टमाटर। तब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे निकाल के ठंडा कर लें। तो यहाँ पे इसका जो तेल है ना वो निकालने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपको एक्स्ट्रा तेल नहीं इस्तेमाल करना है तो पैन में इसे थोड़ा सा साइड करें और गैस ऑन रखें। ये देखिए 8 से 10 सेकंड में ये तेल जो है वो पूरे एक साइड आ जाएगा। फिर यहाँ पे गैस को बंद कर दे और उसके बाद पैन को ऐसे ही टेढ़ा रखे, 1 मिनट के लिए छोड़ दे ताकि तेल भी निकल जाएगा और प्याज टमाटर भी ठंडा हो जाएगा। हमें प्याज टमाटर को ठंडा करके ही ब्लेंड करना है। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसे ऐसे साइड से निकाल लेंगे और उसके बाद जार में बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अंडा करी बनाने के लिए ये हमारा पेस्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं और इसके बाद क्या करेंगे कि हम 7 उबले हुए अंडे ले लेंगे। अंडों को ना थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे, मतलब जब भी आप एग करी बनाएं तो अंडे को फ्राई करने से पहले आप इसे ऐसे फोक से या फिर नाइफ से ऐसे प्रिक कर ले। इससे क्या होगा, गर्म तेल में जब आप अंडे डालेंगे तो वो उड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे अंडा नहीं उड़ता है, तेल उड़ता है, मतलब तेल के जो छींटे होते हैं ना वो आता है। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा ये टिप फॉलो करें। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, तो 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें। हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालने से क्या होगा कि इसकी एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी अंडे के ऊपर और जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो एक कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे अंडों को मैंने हल्दी, लाल मिर्च और नमक से कोट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में हमें 1 चम्मच ही तेल डालना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आप इसे इसमें डाल दें। अंडा को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप स्टील का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल को ज़्यादा गर्म हो जाने दें, नहीं तो अंडे जो हैं वो पैन में चिपकने लगेंगे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए ऐसे पलट के हर तरफ से हल्का सा क्रिस्पी कर ले। ऐसा एग करी जो होता है ना वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको फ्राइड एग नहीं पसंद है तो आप बिना फ्राई किए हुए भी, मतलब उबले हुए अंडे डायरेक्ट करी में डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे अलग। अब हम चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। तो करी बनाने के लिए मैंने पहला वाला जो पैन था ना उसे क्लीन करके इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें थोड़े प्याज व्याज चिपक गए थे। थोड़ा सा तेल डाला मैंने, तेज़पत्ता, थोड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची ऐसे तोड़ के डाल दें और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। जैसे ये थोड़े से पक जाएंगे हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमें हल्दी और लाल मिर्च डालना है। हल्दी और लाल मिर्च जब भी आप तेल में डालें तो गैस को बंद कर दें, तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाने दें, उसके बाद डालें। तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और हल्दी, लाल मिर्च डालने के बाद ना तुरंत ये पेस्ट आपको डालना है ताकि वो जले नहीं। अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मसाला पेस्ट हमने ब्लेंड किया था वो मैंने डाल दिया है, इसे पहले मिला देंगे उसके बाद गैस को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे गैस को वापस ऑन कर देती हूँ मैं। हल्दी और लाल मिर्च तेल में डालने से सब्जी का कलर ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वैसे हल्दी और लाल मिर्च जो है वो जल जाएगा तो आप इसे बाद में, मतलब ये पेस्ट डालने के बाद भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देंगे और 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, इसे मिला दें अच्छे से।
तो यहाँ पे ये जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन गया है, तब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीनों मसाला बराबर क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार और इन सबको मिला दें। अब हम पैन को कवर करेंगे और धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। मसालों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि उनसे ऑयल नहीं रिलीज़ होने लगे, मतलब तेल नहीं दिखने लगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए डालेंगे दही। दही इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो दही को स्किप कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई सब्जी में दही डालें तो गैस को बंद कर दें और मसाला को हल्का सा ठंडा हो जाने दें। गर्म मसाले में, मतलब ये जो मसाला है ना, अगर गर्म रहता है इसमें दही डालेंगे तो दही फट जाती है कभी कभी और सब्जी खराब होने के चांसेस है। तो हमेशा आप दही को ऐसे मसाले को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाने दें, उसके बाद मिलाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही डाला, दही डालने के बाद मिलाया और उसके बाद वापस यहाँ पे गैस को ऑन कर रही हूँ। तो जब भी आप कोई सब्जी में दही डालें तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें। दही डालने के बाद सब्जी का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे दही को पहले अच्छे से मिला दें, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी अगर आप गुनगुना इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने 1 कप पानी डाला है, इसमें 2 हरी मिर्च चीरा लगा के डाल दें, हरी मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसे मिला दिया मैंने और यहाँ पर ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक लग रही है, तो 1/4 कप हम इसमें पानी वापस डाल देंगे और इसके बाद इसे ऐसे मिला देंगे। आप यहाँ पे एक बार नमक को टेस्ट करके देख लें, अगर कम लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए उबलने देंगे। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और यहाँ पे ये देखिए तेल जो है वो करी के ऊपर से दिखने लगा है, मतलब करी हमारी एकदम रेडी है। तब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ अंडा। अंडा डालने के बाद इसे ऐसे मिक्स कर दें और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट और पकाएं। करी हमने बना ली है और अंडे को पहले से फ्राई करके रखा है, तो इसमें पकने वाला और कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप इसे 2 मिनट के लिए पका सकते हैं धीमी आंच पे। तो यहाँ पे मैं पैन को कवर कर देती हूँ और 1 मिनट धीमी आंच पे पकाती हूँ। और ये हमारी एग करी जो है वो बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बनी है। ये आप देख सकते हैं जैसे होटल्स में ग्रेवी मिलती है ना वैसे ही। तो लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आपको कसूरी मेथी ज़्यादा पसंद है तो आप उसे थोड़ा सा रोस्ट करके इसके ऊपर धनिया पत्ता की जगह डाल सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं डालें, या तो धनिया पत्ता या फिर कसूरी मेथी। तो ये हमारी सुपर टेस्टी एग करी बन के तैयार है। तब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी जो है वो बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। बस प्याज टमाटर लहसुन अदरक को भूनना है, उसके पेस्ट बनाना है और थोड़ा सा दही और मसाला डाल के बस ये करी बना लेनी है। आप इस एग करी को रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, कुलचा के साथ खाएं, सबके साथ ही परफेक्ट जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।